पहले तो बहुत बहुत सॉरी इतने सारे डिले के लिए, बट मच नीडेड था यार। बीच में इतना कुछ हो गया। मैं शिफ्ट हो गई मिसिसागा, मेरा कॉलेज सारनिया में है बट आई एम लिविंग इन मिसिसागा। क्यों, आई विल टेल यू द रीजन आगे वाले व्लॉग्स में। और घर में आग लग गई और मैं सिक्योरिटी पेपर से डिटेन हो गई। और साथ ही साथ मेरे को शॉपिंग में जाते रहते जॉब मिल गई। सो सबके बारे में सेपरेट ब्लॉग्स हैं। आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा सीआईबीसी के अंदर अपना जीआईसी अकाउंट एक्टिवेट कराने के बारे में और सिन नंबर लेने के बारे में, जो कि है पहली चीजें जो हम एज अ स्टूडेंट लैंड होते ही कनाडा में कराते हैं। सो देखिए आगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनुष्का, अनुष्का त्रिपाठी। और पीछे आप देख पा रहे हैं, हाय राम, मैं छोटी हूँ ना इसलिए पूरा नहीं आ रहा। सर्विस कनाडा पे हम आ जाए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज हमें जाननी है वो है ये कि एक रूल हो गया है चेंज। सो आई वुड स्पेशली रिकमेंड यू, यहाँ पे बड़ी देर लाइन में मत खड़े रहना, क्योंकि मैंने यही करा है। मैं अभी लाइन में थी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक, एंड उसके बाद पता चला कि क्या कलॉल है यहाँ पे ना, यू हैव टू, जब हम लोग निकल रहे थे एयरपोर्ट से आफ्टर लैंडिंग, वी गॉट अ स्टिकर, अ पिंक कलर स्टिकर ऑन योर पासपोर्ट, जो कि है कोविड टेस्ट का। और जब तक आपके पास इसकी रिपोर्ट्स नहीं होंगी, दे वोंट एंटरटेन यू इनसाइड। सो कोई फ़ायदा नहीं है क्यू में खड़े होने का, जस्ट हैव दैट रिपोर्ट विच यू विल रिसीव ऑन द ईमेल एड्रेस जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया होगा अपना। सो प्लीज़ मेक श्योर कि वो आपके हाथ में हो, नहीं तो टाइम वेस्ट होएगा और सियापे के अलावा कुछ नहीं होगा, खड़े रहना पड़ेगा बहुत देर। और खैर, अब मेरे को बोला है, क्योंकि अभी ना एक स्लिप मिली थी बाहर जहाँ पे आपको नाम लिखना है, बहुत अपना नाम लिखना है, पापा मम्मी का। और हाँ, एक चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, मम्मी का शादी से पहले क्या सरनेम था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ दे नीड यू टू मैंशन दैट। तो अगर पता हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वहाँ पर टाइम वेस्ट होना है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो जो भी है कोविड रिपोर्ट हो आपके पास डाउनलोडेड। अब मेरे को बोला है कि कल या जब भी मेरे को वो रिपोर्ट मिलेगी, हालांकि मुझे ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं अपना सैम्पल प्रोवाइड करे हुए, बट मुझे तो रिपोर्ट मिली नहीं है। इतना स्लो चल रहा है गवर्नमेंट, चाहे कहीं की भी हो, यहाँ की हो या इंडिया की हो, इट्स ऑल द सेम। एंड इतनी ठंडी है एक तो यहाँ पर, जिसकी वजह से हाय खड़े खड़े हालत ख़राब हो गई है, बट चलो सही है। तो इसके बाद सिन नंबर मिलना था हमें आज यहाँ से। सिन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लाइक जॉब के लिए अप्लाई करना हो, कुछ भी लेना हो, तो प्लीज़ मेक श्योर। ओके, वॉशिंग पाउडर निर्मा, ऐसे नहीं लग रहा उसका आर्डर। दूध सी सफेदी स्नोफॉल से आए, रंगीन रोडे भी खिल खिल जाए। What? ये है अपना CIBC बैंक, जहाँ पे हमारी GIC है। 2 बैंक के अंदर डिपॉजिट होती है, या तो स्कॉशिया या तो CIBC, जबकि स्कॉशिया में कराने के ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि स्टूडेंट को वो लोग फ्री मूवी टिकट्स देते हैं सिन पॉइंट्स के थ्रू, और काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं कंपैरेटिवली, तो स्कॉशिया में ज़्यादा फ़ायदा है। पर क्या कर सकते हैं, हमने करा लिया CIBC में, तो वहीं पे अब आगे का प्रोसेस एक्टिवेट कराने के लिए आए हैं, जिसके लिए वी नीड स्टडी परमिट और ओरिजिनल पासपोर्ट। तो वो लेके पहुंच जाना है यहाँ लाइन में लग के, एंड देन टोकन नंबर मिलेगा, फिर अपनी चांस आने पे हमें आगे की फॉर्मेलिटीज करके एक्टिवेट कराना है अपना अकाउंट। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनुष्का, अनुष्का त्रिपाठी, और हम हो चुके हैं तैयार, जा रहे हैं बाहर लेने के लिए सिन नंबर, जो पिछली बार नहीं लेके जा पाए थे। और जिन्हें नहीं पता, सिन इज सिक्योरिटी इंश्योरेंस नंबर। तो आज पहला दिन होगा जब मैं अकेले बाहर जाऊंगी, और देखते हैं कैसा रहता है। वैसे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए था, पर ऐसा है कि अभी पता नहीं है बस रूट, और आगे जाके पड़ता है घर से भी, तो सोचा कि आज के लिए कैब में जाते हैं, अमीरों वाली फील लेते हैं फुल, और उसके बाद से शुरू करेंगे बस का सफ़र भी। तो देखते हैं कैसा होगा सब कुछ, मिलते हैं पहुँच के। बाहर कितनी धूप हो रही है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर फिर भी ज्यादा ही है। और कैब का वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में आती है कैब की, आती हम हो लेंगे सर्विस कनाडा की तरफ।
तो लकीली आज हमारा काम बहुत जल्दी हो गया है यहाँ पे आके, क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी मेरे पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी, और अभी रूल्स अपडेट हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए कोविड की, जो सैंपल कलेक्ट होता है एयरपोर्ट पे, उसकी उसी के बाद आप सिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक स्लिप मिलती है, यू हैव टू फिल इन देयर अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, शादी से पहले उनका नाम, और साथ में एड्रेस यहाँ का। तो मेक श्योर ये सारी डिटेल्स आपके पास हो। यहाँ आने के लिए डॉक्यूमेंट्स का सारा बैग लाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली टेक योर स्टडी परमिट एंड योर ओरिजिनल पासपोर्ट अलॉन्ग विद दैट स्लिप, और साथ में आपकी कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहली चीज़ तो वो नई एडिशन हुआ है तो वो ज़्यादा मांग रहे हैं। और अंदर जाके कुछ नहीं करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, विद इन लाइक 5 to 10 minutes काम हो जाता है। एंड लकीली आज क्यों नहीं थी, अदरवाइज अगर यहाँ पे भीड़ होती है तो क्या चक्कर रहता है, बाहर खड़ा रखते हैं ये लोग, एंड अंदर नहीं है क्यों, तो ठंड में खड़ा रहना पड़ता है। तो प्लीज़ टाइम से पहले आ जाओ, ये 9 to 4 तक खुलता है ऑफिस, तो उससे पहले आप आके काम करा सकते हो। एक तो ठंड इतनी हो रही है ना, हाथ जम रहे हैं, बट इट्स नाइस। ये पहली दिन है मेरा जब मैं कनाडा में बाहर अकेले आई हूँ, और अच्छा एक्सपीरियंस है, जबकि मैंने अभी तक बस ट्राई नहीं की है अपने आप से, लाइक कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैब से आई हूँ, और शायद जाना भी कैब से ही पड़ेगा क्योंकि आस पास यहाँ बस का वो नहीं है। तो देखते हैं आगे, और बहुत कुछ करना है आज पूरे दिन में, सो जल्दी मिलते हैं। तो हमने बुक कर लिया कैब, और उसके लिए करना है वेट, और वेट करते करते पता है इतनी सारी स्नो को देख के मेरे दिमाग में एक थॉट ऑफ द डे आ रहा है, और आज का थॉट ऑफ द डे है वाइट वाइट स्नो, नहीं यार क्या था, खुद ही भूल गई, लेट मी थिंक, सफ़ेद सफ़ेद स्नो ने किया कमाल, लाल लाल मेरे गाल। तो जल्दी से कैब राइडर का वेट करते हैं और पहुंचते हैं घर।